दोस्तों नमस्कार। आज की विजिट हमारी है लखनऊ के अंदर, जो अलीबाग हमारा दूसरा फार्म हमने स्टार्ट किया है। ये लगभग 100 एकड़ के अंदर फैला हुआ है और इसके अंदर सारी की सारी मेडिसिनल जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं वो उगाने का काम मेन होता है यहाँ पे। बाकी सारा काम ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। और मैं जो यहाँ पे संभालते हैं भाई दीपेश भाई, उनसे भी मुलाकात करवाऊंगा, तो आप देखते रहिए वीडियो। मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हम यहाँ पे जितने भी अपने देसी बीज हैं उनको संरक्षण का काम कर रहे हैं। और किसी भाई को अगर देसी बीज की आवश्यकता हो, जिसमें सब्जियाँ भी हैं और जिसमें जड़ी बूटियाँ वाली जितने भी फसल है वो भी अवेलेबल होती है, जिस भी भाई को कभी भी आवश्यकता हो तो हमसे संपर्क कर सकता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपेश कुमार चौहान। इस समय हम लखनऊ में माल रोड इटौंजा स्थित अलीबाग द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक फार्म पे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा फार्म है जो लगभग 100 एकड़ का है। इस पे हमने तरह तरह की चीज़ें इस समय लगा रखी है, जिसमें बिहार की राजेंद्र सोनिया हल्दी है और आपका L49 गुलाबी आलू और काला आलू लगा हुआ है। इसी तरह से आगे की तरफ आज हमने एक प्रोग्राम रखा है, तो कई लोग यहाँ पे फार्म विजिट के लिए आए हुए हैं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पे हमारी आगे पतंगबाजी हो रही है, उसी में हमने बी फार्मिंग कर रखी है कि जिससे कि हमारी यील्ड भी बढ़े और साथ साथ हमें शुद्ध ताज़ा शहद भी मिले। आगे जैसा कि आप देख रहे होंगे, हरी और पीले रंग की छतरियाँ जो दिख रही है उसके अंदर हमारी फ़िश फार्मिंग हो रही है। इसी तरह से हम लोगों ने कई मल्टी क्रॉप्स यहाँ पे लगा रखी है और ये पूरा फार्म हमारा जो है ड्रिप स्प्रिंकलर्स और अंडरग्राउंड वाटर से कनेक्टेड है। और ये साइड में हमारा ये पूरा ये नदी का इलाका है करीब 3 किलोमीटर का, जिसे हम एज ए बर्ड बर्ड सेंचुरी डेवलप कर रहे हैं। नदी का मैंने आपको सीन दिखा दिया था थोड़ी देर पहले, तो वो थोड़ा लगभग 1 से 2 एकड़ पल्ली तरफ है, वो दिखाई दे रहा है, वो पल्ली तरफ है। ये मचान बन रही है और जो हमारे फार्म है ये लगभग 100 एकड़ का है और इसके अंदर लगभग लगभग आपको सारी जड़ी बूटियों वाली और लगभग सारी अपनी एसेंशियल क्रॉप वगैरह मिल जाएगी, जिसमें हाँ लेमन ग्रास है, खस है, तेल हाँ वाली जो फसलें होती है, हाँ मेंथा वगैरह। और इसके अंदर जो आइटम डाला जाता है वो एक्चुअल में देसी खाद ही बोलते हैं उसको, हम वर्मी कंपोस्ट। वो हमारे भाई के पास से पहले लगा हुआ है, लगभग 40-50 बेड ऑलरेडी लगे हुए हैं। बाकी ये जगह इतनी बड़ी है कि इसके लिए हमें बहुत लार्ज स्केल के ऊपर ही करना पड़ेगा, तो हम अभी अभी हमारा टारगेट है कि उसको करीब 200-300 बेड तक ले जाए, हाँ जिससे हम तो अपने फुलफिल तो कर सके साथ ही हाँ किसानों को भी दे सके। तो हम और दीपेश भाई अभी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा प्लांट लगाने की, और जैसे कुछ आप अपडेट आता है तो आपको हम आगे बताते रहेंगे। ऑलरेडी किशन जी के यहाँ तो बड़ा प्लांट लगा ही हुआ है पटौदी गुड़गांव में, हाँ हाँ जी 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 धन्यवाद और सर के सहयोग से ही जो है अब लखनऊ में भी ये लगने जा रहा है। जी 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 उम्मीद करते हैं कि जैसे सर का हिट चल रहा है कार्यक्रम वहाँ पे, तो अपने आप ही ये रहे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके जी 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 और खाद को तैयार कर सके, जिससे कि DAP यूरिया को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोला जा सके। ठीक है ठीक है दोस्तों, ये है हल्दी, हल्दी की खेती हो रही है। ये नदी है गोमती नदी, बहुत ही साफ सुथरा पानी है, उसके अंदर हम विजिट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये उसी का एक साइट है, उसी के नियर बाई यहाँ पे लगता है, उसी के टच है। और इतना सुंदर नज़ारा आपको फार्म के अंदर तो देखने को मिलेगा ही, बाकी सबसे बड़ी बात है जो नदी है इसके अंदर, ये एक अलग से प्लस पॉइंट है। यहाँ पे लोग आते हैं तो घूमने के लिए बहुत कुछ मिलता है आपको, अंदर तो आप देखेंगे तो मैं आपको अंदर का वीडियो भी बताऊंगा, लेकिन जो ये चीज़ आपको नेचुरल मिल रहा है ना, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी हैं, बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं नेचुरल, जो यहाँ पे आके विदेशी जो पक्षी आते हैं वो भी यहाँ पे आपको खूब मिलेंगे। दाना
डेली एक लेना है, एक जाना डेली नहीं है, लोग क्या नेटवर्क पे।